सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संगीता भट्ट आज रक्षाबंधन के प्यारे मौके पर आपके लिए आज का प्यारा सा व्लॉग लेके आई हूँ। पर आज शुरुआत कुछ ऐसी है, सुबह से ही क्या रात से ही हो रही है झमाझम बारिश पिथौरागढ़ में। अब बताओ, हमने इतनी शॉपिंग की तैयार होने के लिए कि हम कहीं जाएंगे रक्षाबंधन में मामा के घर या अपने माई के, पर बारिश कैसे हमारा प्लान चौपट कर रही है ये हमें अभी पता चल रहा है। आज ही तो जाना था क्या, और दिन आ जाती तो ठीक था ना। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, मैं सुबह से उठी तो हूँ पर मुझे कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा, तो सोचा नहाऊँ या क्या करूँ। एक तो आज रक्षाबंधन के दिन मुहूर्त भी कुछ ऐसा है कि सुना है कि मुहूर्त 1-1.30 बजे के बाद है, भद्रा लग रहा है, उससे पहले तो राखी नहीं बांधना है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, पहले के लोग कितने अच्छे होते थे, बिना मुहूर्त देखे राखी बांधते थे। आजकल अब ये मुहूर्त के चक्कर में फंस फुस के बड़ा बवाल हो गया है। क्यों? देखो, जिसके लिए पहली राखी है उसके तो मुहूर्त ठीक है, हम जो इतने सदियों से राखी बांधे क्या हम मुहूर्त देख के राखी बांधे यार, मुझे तो ये थोड़ा अटपटा ही लगता है। तो वैसे मेरी मम्मी ने मुझे देहरादून से बताया था, मुझे लगा कि मैं पिथौरागढ़ तक ये बीमारी नहीं आने दूंगी, इसलिए मम्मी ने मुझे बताया था, तो मैंने सबको कुछ ऐसा बोला ही नहीं था। पर अब मेरे को जब कॉल आ रहा तो वही 1-1.30 बजे के बाद ही बांधनी है, 1-1.30 बजे के बाद। अरे यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, बढ़िया से इन्जॉय करो, सुबह से राखी रुखी मनाओ, क्या रखा है 1-1.30 बजे के बाद। चलो अब जो मानता है भाई उसके लिए बहुत अच्छी बात है, हम तो पहले नहीं मानते थे, पर अब अगर कोई बदवाएगा तो ठीक है। बदवाएगा मतलब अभी मैं पिथौरागढ़ में हूँ तो मुझे बहुत जगह जाना पड़ता है, कसौली मेरा मायका है तो मुझे वहाँ पे भी जाना पड़ता है। मेरी चाची लोग मुझे कॉल करके बुलाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर अब मेरे को 1-2 महीने बाद हमारी पोस्टिंग आ जाएगी, हम यहाँ से चले जाएंगे दूसरे शहर पर, तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ की बहुत याद आएगी। क्योंकि मतलब बहुत हस्बैंड के साथ घूमते घूमते 13 साल हो गए हैं, तो कभी इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई राखी वाखी या भाई दूज के त्यौहार या और त्योहारों की, क्योंकि घर की याद तो आती थी पर पिथौरागढ़ आके सब मैं बिज़ी हो गई, क्योंकि मुझे पता रहता था और ये सुबह नहाओ दो, मेरे घर भी कोई आने वाला है या फिर उसके बाद मुझे भी कहीं जाना है, तो पूरा टाइम मेरा ऐसा हो जाता था। तो अब थोड़ा ही टाइम है इधर, अब देखते हैं कितना महीना मुझे इधर रहना है, पोस्टिंग आ जाएगी तो चले जाएंगे यहाँ से भी, यहाँ का सफ़र भी हम थोड़ा समाप्त कर देंगे पिथौरागढ़ का, फिर नई सिटी में जाएंगे, कैसा होगा क्या होगा। तो चलो अभी टाइम हो रखा है वैसे 7:30, तो अभी नहाने के बाद मैं कुकिंग करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सिस्टर है मामा की लड़की, उनको मैंने इन्वाइट किया है इधर आना राखी में, अब आएंगी वो, उसके बाद उनको खाना ना खिलाऊंगी तो तभी मैं पनीर बना ली हूँ और आटा टा गूंथूंगी, पूरी वूरी बनाऊंगी, फिर उसके बाद मुझे भी अपने चाचा लोग के घर जाना है, फिर मेरे नाना जी लोग के जाना है, पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ किस तरह से राखी मनाते हैं, तो वीडियो में बने रहूँ। मैं इसी तरह बारिश को देख रही हूँ कि रुक जाए, पर बारिश है कि रुकने का नाम और निशान ही नहीं है उसका, भगवान। फिर भी मैं अपना काम करती रह रही हूँ ताकि किसी टाइम भी थोड़ी कम हो तो मैं अपने चाचा चाची लोग के यहाँ निकल जाऊँ, मिलूँ उनसे, राखी के त्यौहार मनाऊँ, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी कर चुकी है। अब ये बारिश भी मुझे नहीं रोक सकती, पर आप लोग थोड़ा देख लो इसका रुख, मैं खिड़की से ही देखो, कहीं से भी नहीं लग रहा कि रुकेगी, दूर दूर तक बस बारिश ही बारिश। क्या ही है आज का दिन। बहुत इंतज़ार के बाद अब हमारे घर में बच्चों ने बांधी एक दूसरे को राखी, जो कि पीहू लाई हुई थी अपने प्यारे भाई के लिए, शीनू के लिए, और कुछ देहरादून से भी आई थी प्यारी प्यारी राखियां, जो मेरी ननद ने भी भेजी थी और आशना ने भी भेजी थी शीनू के लिए, तो सारी राखियां बांधी हैं। इसी बीच में मेरे घर में मेरी ननद दीपा भी आ गई थी, जो लोकल में रहती है, ये मेरे हस्बैंड के मामा की लड़की है, उसने भी शीनू को राखी बांधी। उसके बाद उसने मुझे भी बांधी, एक दूसरे को भाभी को भी बांधते, तो उसने मुझे राखी बांधी, उसके बाद मेरी लड़की को भी बांधी, हमने उसको नाश्ता कराया क्योंकि वो काफ़ी दूर से आई हुई थी, सुबह नाश्ता नहीं किया था। शीनू ने पीहू को दी चॉकलेट्स, क्योंकि मेरी बेटी है चॉकलेट्स की भूखी, उसको कितनी भी चॉकलेट दे दो। मैं उसको एक दिन पहले मार्केट ले गई, मैंने कहा आपको क्या चाहिए गिफ्ट में, तो उसने बोला मुझे चाहिए बहुत सारी चॉकलेट्स, तो कि चॉकलेट्स तो अच्छी चीज़ नहीं है, फिर भी हमने थोड़ी बहुत उसे दिला दी थी। उसका गिफ्ट अभी पेंडिंग है, गिफ्ट जब मैं लेने जाऊँगी मैं आपको बताऊँगी हमने पीहू के लिए क्या गिफ्ट लिया। अब दीपा लोगों ने प्यारा सा नाश्ता कर लिया था जो कि मैंने बनाया था, इसके बाद मौसम भी अच्छा हो गया था और मैं चली गई थी मायके। देखो मौसम हो गया है सुहाना, अब सारी बहनों को होगा अपने भाई के घर जाना, तो और ये है मेरे मायके का रास्ता जो कि कसौली है मेरा मायका, और ये प्यारी सी रोड वहाँ की तरफ जा रही है, मेरी इस रोड से बहुत यादगार है। आजकल तो इतने साधन हो गए, पहले हम यहाँ पैदल जाया करते थे टैक्सी से उतर के मेन रोड पैदल, और ये है मेरा स्कूल केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़, मैंने 10th तक की पढ़ाई यहीं से की है, इसी बीच में मैं पहुँच गई थी। बस अब ये देखो मैंने गाड़ी पार्किंग पर लगा दी थी, और ये जो नीचे नीचे ब्लू कलर का घर दिख रहा है वही है मेरा मायका।
मेरी मम्मी लोग फिलहाल अभी देहरादून में रहते हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहता, रेंट पे लगा रखा है। पर चाची लोग रहते हैं, दो चाचियाँ हैं मेरी। चाची लोग हर बार फ़ोन करके बुलाते हैं कि राखी या भाई दूज में आप आओ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर माँ कामाख्या मंदिर, नीचे एक प्यारा सा कुसौली गाँव, बहुत अच्छा है। और इन गलियों में मेरा जीवन बीता, तो मुझे बहुत प्यार है यहाँ से। ये हम पहुंच गए अपने चाचा के यहाँ। चाचा हमारे आर्मी पर्सन है, देखो जवान, अभी भी जवान, थोड़ा लेट से आए हैं पर पहुंच गए हैं। हाँ, ये चाची है हमारी, कब से इंतजार में थी, हमारा व्लॉग है। ज्यादा दिन तक टिकेगी। ऐसा है, चाचा का एक लड़का है, वो बाहर रहता है, तो अपनी फैमिली के साथ अभी हमारे यहाँ मायके में जरूर आते हैं। पहले शुरू में मैं थी तो मुझे नहीं पता था कि, मेरे को लगता था ऐसे ही जाना है मायके, पर अभी पता चला कि राखी बात नहीं है, चाहे चाचा को बात हो चाची को, मतलब मायके में बात नहीं है, तभी अब मुझे पता चला। भाई की वजह से मैं चाचा चाची को मानने जा रही हूँ। हाँ, मतलब ये नियम, मतलब पहले मुझे पता नहीं था, मैं जब नई नई पिथौरागढ़ आई थी। उसके बाद चाची ने बच्चों और मुझको दे दिया था दक्षिणा। थोड़ा बहुत नाश्ता हमने घर से किया था, तो हमने यहाँ पे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी थी और हम आगे की ओर बढ़ गए थे। आगे भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं और उन लोगों ने भी मुझे फ़ोन करके बुलाया था, तो मैं वहाँ चली गई थी। जब हम इतने छोटे हुआ करते थे, चाचा तभी भी थे, इनका नाम है पिताणी चाचा। अब आप बताओ मैं हूँ कौन? दिमाग लगाओ। मैं छू मुन्नी दा चिल, जो आप देहरादून चले गया भाई। अब थोड़ा आगे का सफ़र तय किया, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे। यहाँ पे हमारे जो अपने रिश्तेदार होते हैं, मेरी आमा लोग, वो लोग हैं, तो चाचा चाची लोगों का घर है यहाँ पे ऊपर पे, उधर हम जा रहे हैं। आमा भी हर साल हमारा इंतज़ार करती है, तो अभी घर में चाची लोग तो शायद मायके चले गए होंगे, और चाची का लड़का है घर पर, वो होता है, तो मैं उसको राखी बांधती हूँ। तो देखते हैं आज घर में कौन कौन मिलता है। मौसम इतना सुहाना हो रहा है, सुबह तो हुई थी ख़तरनाक बारिश और अभी इतना बढ़िया सुहाना मौसम। और मुझे लगता है कि ये जो भद्रा वाली चाल थी ना, भगवान जी की थी। भगवान ने सुबह से बारिश की थी 12 बजे तक, और ताकि सारी बहनें निकले और मायके 1 बजे तक पहुंचे, 1:30 बजे तक राखी बांधे, तो यही सब हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। अब ये मैं पहुंच गई हूँ आमा के घर। आमा के पैर छूने के बाद हम अंदर गए और देखा चाची तो आज अपने लड़के को भी ले गई थी, पर कोई बात नहीं, हमारे यहाँ का ये रिवाज है कि घर में, घर का कोई भी हो, चाहे बुज़ुर्ग हो चाहे लड़का हो घर पे, तो हम राखी ज़रूर बांधते हैं। तो आमा ने हमें भी बांधी, हमने आमा को भी बांधी। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, एक ताऊ जी लोगों का घर और है, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी मायके के बाद। फिर दूसरी चाची है, एक बार उनसे भी मिलूँगी। 4-5 जनी यहाँ पे हैं, यहाँ पे ये हमारे एकदम अपने परिवार के लोग हैं, तभी मैं यहाँ पे जा रही हूँ। रास्ते में मुझे जो भी मिल रहा है वो मम्मी की हाल समाचार पूछ रहा है, मम्मी लोग ठीक हैं, तुम लोग ठीक हो, तब हम लोग नमस्ते करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आ गई हूँ मैं आमा के यहाँ। आमा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैं आमा से हालचाल भी पूछ रही हूँ, आमा क्या हो गया था, क्योंकि आमा बहुत एक्टिव है। इस उम्र में भी आमा गाई वाई वाला काम करती थी और बहुत एक्टिव थी, अभी थोड़ा बीमार हुई है आमा। अम्मा बड़े ही प्यार से मुझे हर साल बुलाती है, चाहे वो भाई दूज हो, राखी, और अपने घर में कोई फंक्शन हो, ये लोग हमारे अपने रिश्तेदार हैं, तो ज़रूर मुझे फ़ोन करके बुलाते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, अम्मा लोग इन सब चीज़ों का मेरा ख्याल रखते हैं, और मेरे को, मेरी मम्मी लोगों की यहाँ पर पिथौरागढ़ में होने वाली कमी महसूस नहीं होने देते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ताऊ जी लोग कोई भी घर पर नहीं थे, अम्मा से मिलना हुआ, पर बहुत अच्छा है, बूढ़े बुजुर्गों के हाथों रक्षा धागा बंध गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर ये लोग मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते कि मुझे आते, तो मुझे इनका आदर करना ज़रूरी है, चाहे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हो, मैं समय निकाल के ज़रूर जाती हूँ। आमा के हाथ से बच्चों ने भी राखी बंधवाई, बांधी भी, और आमा ने उसके बाद दक्षिणा दी अपनी श्रद्धा के अनुसार, तो उसके बाद मुझे भी दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आमा ने मुझे आशीर्वाद भी दिया। ठीक है, थोड़ा है ना,
ये है मेरी बड़ी चाची। चाचा लोग मेरे किसी काम से सुबह नहीं थे घर पे, तो अब वो लोग आ चुके हैं, तब मैं इनसे मिली। चाचा के घर में खाने की व्यवस्था भी थी, दोनों चाचा लोग बहुत आदर सम्मान करते हैं मेरा। तो चाचा ने मुझे बोला, देखो मैंने राजमा बनाए, टेस्ट करके बताओ। और थोड़ा सा रायता लिया मैंने, क्योंकि पेट सुबह से भरा हुआ था, तो राजमा बहुत अच्छा हुआ था, रायता भी बहुत अच्छा हुआ। हम लोग खा रहे थे, और चाचा ही कुकिंग करते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। खाने में जय हरी बोल के बहुत अच्छा हरी जी का रस भी घोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काश मैं यहाँ ज़्यादा आ पाती, पर बच्चों की वजह से, बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरा भी कुछ बिजी शेड्यूल है जो मैं ज़्यादा नहीं आ पाती, पर त्योहारों में बुलाते हैं ज़रूर आ जाती हूँ। और पता नहीं मैं इन सब चीज़ों को कैसे, मतलब मैं जब यहाँ से जाऊँगी, मुझे लगता है कि मैं अपनी शादी में भी इतना इमोशनल नहीं हुई होंगी जितना मैं अब यहाँ से जाने के बाद होंगी इमोशनल। इतनी सारी प्यारी बातों के बीच अब हमने चाचा चाची को राखी बांधी, उसके बाद हम जो जो उनके लिए लाए थे हमने वो दिए, फल फ्रूट मिठाई। उसके बाद शीनू भी चाचा के साथ खूब मस्ती कर रहा था। ये मेरी बुआ है, मतलब आज के दिन किसी का हाथ खाली नहीं हो जाए, बड़ा अच्छा लगता है। तो दक्षिणा मिलने के बाद हमने कुछ प्यारी प्यारी फोटो क्लिक की। उसके बाद देखो शीनू अपने नाना से कैसे बातें कर रहा है। ये सारे नाना को दे दो शीनू, मैं क्यों दूं क्या, नाना इसको डबल करके देंगे, मत करो ले लेंगे कहीं। इतनी लूट है, ये कितना बेशरम है। बॉयज को कौन देता है ना, पता नहीं इसको। चाचा चाची का आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं अपने मामा के घर की तरफ जा रही हूँ। वहाँ मेरे प्यारे से नाना मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। नाना का सुबह भी फ़ोन आया था, कल भी आया था कि जल्दी आ जाना, मैंने तेरे लिए भात बनाया है। और यहाँ पे कई मामा लोग के घर है, 5, तो आजकल मम्मी इधर नहीं है, तो मम्मी के रूप में ये लोग मुझे इन्वाइट करते हैं, चाहे भिटौला हो, भाई दूज हो, सब चीज़ में मुझे बोलते हैं कि रस्सू आएगी और अपनी मम्मी के बदले का जो भी है यहाँ से लेके जाएगी। तो चलो मम्मी की उससे मेरे को फ़ायदा हो गया। यहाँ और इतनी वड्डा में इतनी ट्रैफिक जाम, उसके बाद मैंने गाड़ी घुमा ली थी और मैं चली गई थी मामा के घर, जो कि ऊपर पहाड़ में है, सुआकोट में है। अब मैं पहुँच गई थी मामा के घर और राखी बांधनी शुरू कर दी थी मैंने। यहाँ पे सभी मामा लोगों की वड्डा में अपनी अपनी शॉप है, किसी की मिठाई की शॉप है, किसी का रेस्टोरेंट है, मेरे मामा की जलेबी की शॉप है। तो सभी मामा लोगों को अभी जाना था काम पे, तो इसीलिए वो लोग थोड़े ब्रेक में आए थे घर। उसके बाद राखी बंधवाने के बाद वो लोग चले गए थे। मामा के सभी के लड़के हैं, पर कुछ लड़के उनके यहाँ से, मतलब पिथौरागढ़ से बाहर रहते हैं, तो वही मामा लोगों को राखी बांधने के बाद हम लोगों ने उसके बाद आगे और मामा लोगों के घर गए। ये प्यारी सी शिवन्या जो हमें मिली थी और आज इतनी प्यारी सी लग रही थी, परी जैसी, मैं इसी के साथ खेल रही थी। और ये छोटू सा बच्चा, ये भी सोया था, ये मेरी बहन है। और दोनों बहनें आई थी, नानी है, मौसी है, और एक मौसी तो जलेबी की दुकान में है, आज बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो हम लोग बैठ के बातें भी कर रहे थे, और उसके बाद शिवन्या ने शीनू को राखी बांधी और शीनू ने उसे गिफ्ट दिया। शिवन्या को अभी छोटी है, राखी का इतना मीनिंग नहीं पता है, पर फिर भी उसकी हेल्प की उसकी मम्मी ने। उसके बाद शीनू ने उसको चॉकलेट दिया और एक प्यारी ड्रेस दी, जो कि शिवन्या अभी अपने पे बिजी है, उसकी घड़ी लाइट वाली जो राखी है चमक रही थी तो वो बहुत खुश हो रही थी। तो चलो उसने ड्रेस तो फेंक दी थी, उसको चॉकलेट से मतलब था, तो उसने चॉकलेट रख ली थी। चलो आगे मेरे नाना जी मुझे मिल गए थे, नाना जी सो के उठे थे, और अब नेहा और मैं चले गए थे मामा लोगों के घर। यहाँ पे मौसी लोग भी आए थे, आज हम बहुत लेट पहुंचे, मैं अभी 3 बजे पहुंची हूँ, तो सारी मौसी लोग राखियों की बांध के खाना ना खा के रेस्ट कर रहे थे यहाँ पे। आज मौसी पता नहीं क्यों इतनी इनएक्टिव वो रखी है, उनके हाथ में ड्रिप भी लगी हुई थी। हमने बोला मौसी से, मौसी आप तो इतनी सुंदर लग रहे हो, पर हाथ में ये क्यों लगा के आए हो। उसके बाद यहाँ पे आ गया था मामा का बेटा, इसको राखी बांधी, और उसके बाद हम आगे बड़े सभी के घर में जाना था, तो टाइम लग जाता है, इसके बाद मुझे फिर कहीं और जाना है। आप तो मुझे बोलोगे भाई संगीता एक दिन में कहाँ कहाँ हो आई, इसलिए आज का व्लॉग थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। लास्ट तक देखो, लास्ट में मैंने कितने नोट कमाए वो आपको लास्ट में पता चलेगा। ये देखो इतनी प्यारी लोकेशन है सुआकोट की, मामा लोगों के घर इतने सुंदर सुंदर लगे थे। यहाँ पे हमने गोलू को राखी बांधी मामा लोगों के घर में, गोलू है फिलहाल यहाँ पे। उसके बाद राखी बांध बांध के मैं थक गई थी, तो मैंने खा लिया था खाना। मेरे बुबू ने बनाई थी दाल चावल भिंडी की सब्जी रायता, भूख भी लगी हुई थी। खाने के बाद हम बच्चों के साथ थोड़ा खेलने लगे थे, इतने सारे सारे बच्चे थे यहाँ पे, हे भगवान, बच्चों के साथ चैपे हल्ला गुल्ला, फिर भी मज़ा आ रहा था कि चलो इतने टाइम बाद छोटे छोटे बच्चों के साथ
टाइम पास करने का मौका मिल रहा था, पर बच्चों की हो रही थी यहाँ पे लड़ाई से छोटी तो ये भी है, पर ये अपने आप को इतनी बड़ी समझ रही थी कि सबको मारने पीटने लग रही थी और झाड़ू से भी मार रही थी। ये मेरी बहन का प्यारा सा बेटा है, ये लोग भी अब कल चले जाएंगे अपने मामा के घर से। उसके बाद मेरी बेटी ने इतने प्यारे छोटू से भाई को बांधी राखी और मेरी बेटी को मिल गई थी भैया की तरफ से एक चॉकलेट, जो कि वो खुश हो गई थी कि वाओ मम्मा मुझे फिर से एक चॉकलेट मिल गई। तो जी तो दिखाओ कैसे गंदी गंदी ये। या, वो ताई को बना। नो जी एक और बार नो जी दिखाओ दीदी इसको कितनी खाएगी, ये मेरी है इसको नहीं बोलते वीडियो बना ले मेरा पहले किसी करो फिर चॉकलेट देंगे, पहले किसी करो। दोनों के बच्चों को हम बाहर संभाल रहे हैं और ये दोनों इधर किचन के बहाने गप मार रही हैं। चलो अब मैंने लिया इनसे विदा और रास्ते में मिल गया था हमारा गौरव भाई जो कि अभी दुकान से आया था, इनकी भी शॉप है, तो मैं इसको छेड़ रही हूँ कि चल मेरा गिफ्ट निकाल कर। एक्चुअली गिफ्ट तो आमा ने दे दिया था मुझे, उसके बाद मैं मौसी को राखी बांधी। मेरी मौसी का हाथ सुबह से खाली था, मौसी तो बिल्कुल बिजी रहती है दुकान में। उसके बाद मैं मामा के पास भी गई और मामा का बेटा भी है भाई, ये लोग नोट छापने में इतने बिजी हैं कि एक दुकान मौसी ने नीचे लगाई है और एक दुकान ऊपर चल रही है। चलो अच्छा है, राखी में जलेबी की बहुत बिक्री होती है। उसके बाद हम आ गए थे कासनी, पीहू का ये छोटू सा भाई है जो कि अभी अभी इसकी फर्स्ट राखी है, हमने बांधी वहाँ पे राखी, उसको पीहू ने राखी बांधी और उसके बाद मिला था उनको दक्षिणा। शीनू तो भाई बहुत खुश हो जाता है और शीनू को ही सबसे पहले मिलती है। उसके बाद पीहू को मिली थी चॉकलेट, मिल गया था दक्षिणा और पीहू बहुत खुश हो गई थी कि मैंने एकाक्ष बाबू को राखी बांधी है। उसके बाद हम चले गए थे एक और प्लेस पे, यहाँ ये है ताई जी का घर। यहाँ के भैया भाभी लोग मुझे हर साल फ़ोन करके बुलाते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इनका डॉगी ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और इसके बाद देखो भाभी ने क्या क्या चीज़ें हमारे लिए बनाई थी, रायता, ये वड़े, पूरी, पनीर, गुलाब जामुन, भाभी ने खीर, इतनी सारी चीज़ें बोली खाओ। तो भाई सुबह से हम खा के थक गए थे, अब राखी बांधने का टाइम आया तो मैंने भैया को राखी बांधी और उसके बाद भैया से भी ले लिए थे गिफ्ट्स। और उसके बाद बच्चों को यहाँ पे जो डॉगी पसंद आया ये कुछ खेल दिखा रहा है, आप देखो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा, मेरा राखी का त्यौहार बहुत अच्छा बीता। मेरे को अपने मम्मी लोगों की, अपने भाई लोगों की बिल्कुल कमी महसूस नहीं हुई, पिथौरागढ़ पोस्टिंग मिलने बेस्ट रही। और इसके बाद हम लोग यहाँ से जा रहे थे, भाभी ने बच्चों को दक्षिणा पकड़ा दिया था और शीनू को सबसे अच्छा लगता है ये टाइम। और उसके बाद मुझे भी भाभी ने दक्षिणा पकड़ाया, उसके बाद मैं भाभी को बाय बाय करके चली गई थी, थैंक यू सो मच भाभी। उसके बाद शीनू बोलने लग गया कि मुझे एक राखी बांध दो आप, आपने मुझे राखी नहीं बांधी। और इधर मेरी बेटी इस प्यारे से डॉगी को इसने राखी बांधी। और उसके बाद हम चले गए थे घर की तरफ, अब ज़्यादा समय हो गया था, अंधेरा थोड़ा बहुत होने लग गया था और आज ना रोड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी सुबह, तो बारिश की वजह से सब लोग अपने भाई के घर बहुत लेट गए होंगे। और तो अब जब सब जा रहे हैं अपने घर वापस तो बहुत थोड़ा अंधेरा हो गया था। मैं भी 6:30 बजे अपने घर पहुँची, आज मेरी फ्रेंड की लड़की का बर्थडे है तो बर्थडे के लिए भी हम लोग केक कटिंग में नहीं पहुँच पाए। पर उसके बाद हम लोग जब पहुँचे तो थोड़ी देर बर्थडे में भी जाना था तो हमने पार्टी में किया खूब सारा इंजॉय। अब मैं आपको दिखाती हूँ जब मैं बर्थडे पार्टी में पहुँची तो वहाँ पे क्या क्या हुआ।
गर्ल का डांस तो हो गया था खत्म और मैंने भी खा ली थी स्नैक्स। उसके बाद हमने खेला एक गेम, हमने बोला म्यूजिक चलाओ और जो म्यूजिक स्टॉप होते टाइम जो हिलता हुआ पाया गया वो हो जाएगा आउट। तो उसके बाद खेला हमने ये वाला फनी गेम, क्योंकि भाई बैठे बैठे हो रहे थे बोर और कल बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी, तो हमने बोला आज की बर्थडे पार्टी हम खूब इंजॉय करेंगे। तो अब आप देखो हमने कैसे इस पल को इंजॉय किया। मिन्नू दी स्टार्ट फोन में ऐसा लग रहा था जैसे कि धीरे धीरे नाच छोरी डीजे को तोड़ेगी टाइल होना चाहिए इसकी जगह ये पगाम तेरे लगता है ना मेरे को थकान नहीं लगती। इतना सारा राखी का इधर उधर जाके मैंने उसके बर्थडे में किया इतना सारा डांस। उसके बाद पीहू ने काउंट की अपनी मनी की कितने पैसे हो गए थे, उसको कुछ लेना है। अभी क्या लेना है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम इसकी शॉपिंग के लिए जाएंगे। तब पैसों की वजह से कभी भी कोई राखी नहीं मनाता है। पैसे ज़िंदगी में आते रहते हैं जाते रहते हैं, पैसे ऐसी चीज़ है जो कभी भी टिकती नहीं है इंसान के पास। पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है रिश्तों में आदर और सम्मान और प्यार बनाए रखना। वो मुझे लगता है मैंने पिथौरागढ़ आके अपने हर एक रिश्ते में निभाई है। और मैं कभी भी अपने ससुराल जाना हो, चाहे मैं अपने मंदिरों में जाना हो या किसी भी रिश्तेदारी को निभाना हो, मैं बहुत अच्छे से मुझे लगता है यहाँ आके मैंने की है। और सब लोग मेरे जो रिलेटिव हैं इन लोगों ने मेरा इतना ध्यान रखा है कि मैं जब यहाँ से जाऊँगी सच में मुझे ये चीज़ें बहुत याद आएंगी। इसलिए मैं व्लॉग के माध्यम से इनको अपने पास रखना चाहती हूँ हमेशा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ समय बिताना। तो आज मैं अपना व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। सभी को बाय बाय और टेक केयर। जय हर।